हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, लैंड फ्लो एंड एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे रिलेट करती है लैंड फ्लो से? देखो, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो हमने एक कॉयल ली यहाँ पर, ठीक है, ये एक कॉयल ली हमने और इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं मान लो, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगाया हुआ है इसमें गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो कि हमें करंट बताएगा कि है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन शो करता है तो करंट है, क्लियर। और यहाँ पर हमने लगाई एक बार मैग्नेट, क्लियर। और ये है आपके पास मान लो नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। देखो अब ज़रा होता क्या है इसमें, देखो जब ये मैग्नेट इसकी तरफ आ रही है, ठीक है, इसकी तरफ हम लेकर जा रहे हैं तो ऑब्वियस है फ्लक्स चेंज होगी, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस करेंगी क्योंकि इसके पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज हो रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें EMF इंड्यूस होगा, और EMF जब इंड्यूस होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पिछले टॉपिक में बताया भी था, तो ये क्या करता है, अपोज करता है अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि ये मैग्नेट इधर आ रही है तो ये इसको अपोज करेगा। अपोज कैसे कर सकता है, नॉर्थ है यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, ये नॉर्थ बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक सर्कल है तो यहाँ पर देखने पे ये क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ को क्योंकि क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्लियर। अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या दिखेगा, साउथ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जब नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, ठीक है, ये तो इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन हम तो ज़बरदस्ती इसको इसके पास ही लेके आ रहे हैं, तो जब नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है तो हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है और इसके पास लेकर आने में, ठीक है। और इसके पास लेकर आ रहे हैं तो हो क्या रहा है, इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है। तो यानी कि जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हो आप इसके पास, क्योंकि रिपल्शन की वजह से ये क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, लेकिन आप फिर मैकेनिकल वर्क कर रहे हो इसको इसके पास लेकर जाने के लिए, और उसकी वजह से यहाँ पर EMF इंड्यूस हो रहा है। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एक तरह से आप कह सकते हो कि कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखो क्या लिखी हुई है, लेट अ मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल इज मूव टुवर्ड्स द कोयल, विद इट्स नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स द कोयल एंड अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द कोयल, क्योंकि ये इसको अपोज करेगा तो अपोज कैसे कर सकता है, यहाँ नॉर्थ ही बनना चाहिए, ठीक है, तो अपोज करेगा, यही चीज़ लिख रखी है कि नॉर्थ पोल अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द कोयल, क्लियर। रिपल्शन टेक्स प्लेस, तो लेंस लॉ की वजह से यहाँ नॉर्थ पोल बना और रिपल्शन होगी, ऑब्वियस ही बात है, बिटवीन एक्चुअल नॉर्थ पोल, एक्चुअल ये वाला है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल ऑफ द कोयल, तो इन दोनों में क्या हुई है, रिपल्शन हुई है। तो कहता है टू ओवरकम दिस रिपल्शन, इस रिपल्शन को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सम मैकेनिकल वर्क हैज़ टू बी डन, कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है जो कि विच कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर तो EMF इंड्यूस हो रहा है तो वो मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो। और इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन रिलेट करती है, जो मैंने आपको फैराडे में भी बताया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन हाँ इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझ रहे हो। EMF इंड्यूस हो रहा है मतलब करंट आ रहा है, तो मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। दूसरा आप समझ सकते हो कि मान लो ये मैग्नेट इस तरफ लेके जा रहे हैं, हम इस साइड मूव कर रहे हैं, तो जब हम इस साइड मूव कर रहे हैं तो इसमें होगा क्या, ये इसको दूर जाने से रोकेगा, क्योंकि इसमें जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है अब इधर जाने की वजह से हो रहा है, तो ये अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन की वजह से इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, इधर जाने से रोकेगा, तो इधर जाने से रोकेगा तो ये यहाँ पर क्या शो करेगा, साउथ पोल, साउथ पोल शो करेगा, मतलब आप समझ रहे हो ना यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो आएगी, जैसे मैंने आपको इस टॉपिक में बताया था, यहाँ पर समझ रहे हो ना ये चीज़ कैसे बन रहे हैं साउथ और नॉर्थ, ठीक है। मेनली यहाँ पर क्या आता है आपके पास, करंट उस डायरेक्शन में मूव करता है तो हमें पता चलता है साउथ, तो यानी कि अगर यहाँ साउथ है तो मतलब यहाँ पर करंट कैसे दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज, और इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो ना यही एक सर्कल है यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे कई सारे सर्कल हैं, तो अगर एक में यहाँ क्लॉकवाइज है तो इधर से देखने पे क्या हो रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, इधर से देखने पे क्या हो रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा इधर से, तो वही सब कुछ सभी कॉइल्स में हो रहा होगा, इनमें नंबर ऑफ जितनी भी टर्न्स हैं कॉइल्स की, ठीक है। तो यहाँ अगर साउथ बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, नॉर्थ बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी वही है, ये इधर जाएगा तो ये इसको अपोज करेगा, तो उसकी वजह से इसने क्या किया, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये तो इधर जा रहा है, तो ये इसको अपोज करेगा, तो अपोज कैसे करेगा, इसको इधर जाने से रोकेगा, और वो कैसे रोक सकता है, जब यहाँ ये साउथ पोल बने, तो साउथ पोल बन रहा है मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो जब साउथ पोल बना तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अब अट्रैक्ट कर रहा है ये और हमें इधर लेके जाना है, तो कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बन रहा है, साउथ पोल, क्यों, क्योंकि ये इसको अपोज करता है, इस अपने EMF की कॉज ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, अपोज करता है, तो ये इधर जा रहा है तो इसको इधर जाने से रोकेगा, तो वो कैसे रोक सकता है, उसने देख लिया यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ क्या बनना चाहिए, साउथ, ताकि ये इसको अट्रैक्ट करे,
अब हो क्या रहा है कि हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं इसको ज़बरदस्ती इधर लाने में, क्योंकि ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैकेनिकल वर्क लग रहा है इधर जाने में, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, यहाँ EMF इंड्यूस हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ रिलेट करता है यहाँ पर लेंस लॉ में, क्लियर। तो यहाँ पर देखो ज़रा ये पैराग्राफ जो है यही लिखा हुआ है, नाउ लेट द मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कोयल। अब क्या हो रहा है, मतलब ये जो है मैग्नेट जो है विद इट्स नॉर्थ पोल मूव हो रही है अवे फ्रॉम द कोयल, दूर जा रही है कोयल से, ठीक है। नाउ साउथ पोल अपीयर्स ऑन द कोयल, साउथ पोल अपीयर हो रहा है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको अपोज करेगा। अपोज कैसे, कि ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो ये इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट इधर जा रही है तो अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट इधर जा रही है तो रिपेल करेगा, उसको अपोज ही करना है इसको, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ साउथ पोल बना, क्लियर है इतनी बार, ठीक। तो साउथ पोल अपीयर्स ऑन द कोयल और अट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन द एक्चुअल नॉर्थ पोल, ये एक्चुअल नॉर्थ पोल एंड इंड्यूस्ड साउथ पोल के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अब टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन क्या करना पड़ेगा हमें, सम मैकेनिकल वर्क हैज़ टू बी डन, क्योंकि इसको तो इधर ही लेके जाना है और अट्रैक्शन हो रही है, तो हम कुछ मैकेनिकल वर्क करेंगे इसको इधर लाने में। यहाँ पर देखो ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, कुछ मैकेनिकल वर्क करना है इसको इधर लाने में, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब तो मैकेनिकल वर्क तो करना ही पड़ रहा है, यहाँ पर इधर लेके जाना ही जाना है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स तो चेंज होनी होनी है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन सम मैकेनिकल वर्क हैज़ टू बी डन, कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बता दो जरा, क्लियर। उसके बाद हमने यही बात लिख रखी है कि फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट ईच टाइम मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि चाहे हम पास लेके जा रहे हैं चाहे हम दूर लेके जा रहे हैं, ईच टाइम हो क्या रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो लेंस लॉ से भी हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात को प्रूफ कर सकते हैं। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, तो इसको नोट कर लेना टॉपिक को, एनर्जी कंजर्वेशन वाला लेंस लॉ के लिए, क्लियर, समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल सी बातें थी वैसे तो, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर दो। ओके जी, थैंक यू।